एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं प्राइम नंबर्स के लिए, प्राइम नंबर्स टिल एन, ठीक है। तो लेट्स से आई एम गिवन अ नंबर, लेट्स से आई एम गिवन 20, मुझे 2 से लेके 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे प्रिंट करने हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये सारे के सारे मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली मुझे करना क्या होगा, मुझे 2 से लेके 20 तक जो सारे नंबर्स हैं एक एक करके चेक करने पड़ेंगे कि कौन कौन से प्राइम है, और जो जो प्राइम निकल के आएंगे वो सारे मैं प्रिंट करता जाऊंगा। तो क्लियर है? तो चलो ठीक है, अगर मुझे मैं एक एक करके आइट्रेट करूंगा 2 से लेकर 20 तक, और फिर मैं चेक करूंगा बाद में कि लेट से मुझे चेक करना है कि 13 एक प्राइम है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे 13 चेक करना है प्राइम है कि नहीं, तो मुझे उसको 2 से लेके 12 तक हर नंबर के साथ डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि क्या वो उसको डिवाइड कर पाता है 13 को। अगर उसने उसको परफेक्टली डिवाइड कर दिया तो हमारा 13 नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं हो, या कोई भी नंबर है मुझे अगर मेरा n है अगर उसको चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, मैं 2 से लेके n-1 तक चेक करूंगा, n-1 तक नंबर के साथ हर एक नंबर से डिवाइड करके देख लूंगा कि क्या वो मेरा नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स वो नंबर मेरा प्राइम नंबर नहीं है, किसी भी एक भी नंबर से हो गया तो मतलब वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। चलो इसके लिए कोड लिखते हैं। ओके, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 से n+1, राइट। मैं 2 से n नहीं लिख रहा हूं, मैं 2 से n+1 लिख रहा हूं, बिकॉज मुझे अगर 20 नंबर दिया गया है तो मुझे 20 भी चेक करना है, ठीक है। अगर मुझे 20 भी चेक करना है तो मुझे रेंज फंक्शन में 20+1 दैट इज 21 पास करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो मैं एक काम करता हूं कि सबसे पहले वो मान लेता हूं कि वो मेरा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो मेरा करंट नंबर की बात चल रही है जहां पे मेरा अभी आई है वो एक प्राइम नंबर है। फिर मैं क्या करूंगा उसको, लेट से आई मेरा अभी करंटली जैसे कि हम बात कर रहे थे 13 पे, तो मुझे 2 से लेके i-1 दैट इज 12 तक चेक हर नंबर से डिवाइड करके चेक करना होगा। अगर एक भी नंबर मुझे ऐसा मिल गया जिससे कि वो डिवाइड हो रहा है तो आई विल राइट इस प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स, मैं इस प्राइम को फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। ओके चलो देखते हैं, इस प्राइम इज इक्वल टू ट्रू किया तो मैं j इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिकली मैं j को 2 से लेके i-1 तक लेके जाऊंगा, ठीक है। और आई कैन से व्हाइल j इज लेस देन i, ठीक है, जब तक कि i से कम है तब तक उसको चेक करते रहो। क्या चेक करना है हमको, इफ i मॉड्यूलो j इज इक्वल टू 0। i मॉड्यूलो j का इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, कि मेरा जो j है वो i को परफेक्टली डिवाइड कर देता है। अगर उसने परफेक्टली डिवाइड कर दिया तो जो मेरा नंबर है वो मेरा प्राइम नहीं होगा, ठीक है। इस प्राइम इज इक्वल टू मैं फॉल्स लिख सकता हूं उस चीज को, करेक्ट। देन आई कैन राइट j इज इक्वल टू j प्लस 1। अब मेरा जब लूप खत्म हो जाएगा, अगर एक भी नंबर से डिवाइड हुआ होगा तो इस प्राइम मेरा फॉल्स होगा, अगर मेरा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो मेरा इस प्राइम अभी भी ट्रू होगा। तो इफ इस प्राइम आफ्टर द फॉर आफ्टर द व्हाइल लूप आई एम राइटिंग इफ इस प्राइम, ठीक है, कि अगर मेरा वो प्राइम नंबर अभी भी ट्रू है उसमें तो प्रिंट आई, तो वो नंबर को प्रिंट कर दो, ठीक है, क्लियर है। एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, सो देयर इज एन इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पे मैंने इफ नहीं लिखा है, ठीक है। ओके सो 20 लिख लेते हैं, तो हमारे सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो हमारे सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं 20 तक। दिस कोड इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, आई मीन ये वर्क करेगा पूरा पूरा, बट एक चीज हम लोग इसको बेटर बना सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, एक ब्रेक लगा सकते हैं यहाँ पे। वॉट दैट मीन्स कि अगर वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो चुका है, ठीक है, तो वो बाकी नंबर्स के साथ अब उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हम ऑलरेडी हमें पता चल चुका है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक 14 है, ठीक है, मुझे चेक करना है कि 14 प्राइम नंबर है कि नहीं। अब जब मुझे ऑलरेडी जब मैंने उसको 2 से डिवाइड किया तब मुझे वो पता चल गया है कि वो प्राइम नंबर नहीं है,
तो वाई शुड आई चेक फ्रॉम 3, 4, 5 till 13? 3 से 13 तक चेक करने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज मुझे 2 से डिवाइड करते ही पता चल गया कि वो मेरा नंबर प्राइम नहीं है। तो ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही उसको एक नंबर मिल जाएगा जिससे वो डिवाइड हो रहा है, वो उसके लिए बाकियों के लिए उस नंबर को बाकियों के लिए चेक नहीं करेगा। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है? ओके, तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं फिर से, लेट्स से 15 तक रन कर लेते हैं। तो इट इज स्टिल वर्किंग फाइन एंड इट विल गिव बेटर परफॉर्मेंस। एक और चीज मैं इसमें देखना चाहता हूं, एक चीज नोटिस करो, अभी मैंने क्या बोला तुमको कि अगर तुमको 13 चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली 13 चेक करने के लिए मैंने तुमको बोला कि 2 से लेके 12 तक चेक करो। ठीक है, 2 से लेके 12 तक हर नंबर से डिवाइड करके देखो, राइट? और या मुझे अगर 100 चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो उसको 2 से लेके 99 तक डिवाइड करना पड़ सकता है तुमको, राइट? बट डू यू थिंक कि हमको 99 तक चेक करने की जरूरत है? जनरली जब मैं ये चीज किसी से पूछता हूं तो मुझे आंसर मिलता है कि n by 2 तक चेक कर लो, दैट वुड बी सफिशियंट। ठीक है, कि अगर 100 है तो 50 तक चेक कर लो, बहुत है। ठीक है, कि अगर तुमको एक n नंबर है, अगर तुम्हें चेक करना है कि n प्राइम है या नहीं, तो उसको n by 2 तक चेक कर लो, दैट इज सफिशियंट। बट एक्चुअली उससे भी कम में काम हो जाएगा हमारा, हमको स्क्वेयर रूट ऑफ n तक चेक करने की जरूरत होती है। अगर मुझे चेक करना है कि 100 प्राइम है कि नहीं, तो मुझे सिर्फ 10 तक चेक करना है। 2 से लेकर 10 तक मैं डिवाइड करके देख लूंगा, अगर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो वो मेरा नंबर प्राइम हो जाएगा। सिमिलरली अगर 10,000 है, तो मुझे सिर्फ 2 से लेकर 100 तक चेक करने की जरूरत है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10,000, 100, तो मुझे सिर्फ 100 तक चेक करने की जरूरत है। तो बेसिकली हमको क्या करना चाहिए कि सिर्फ उसके स्क्वायर रूट तक ले लेना चाहिए, रैदर देन यहां पे हमको j इज लेस देन i नहीं लगाना चाहिए, बेसिकली j इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ i। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ i लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, j लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ i लेंगे, हमारा काम इससे हो जाएगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं, चलो 100 ही ले लेते हैं। मेरे पास जो 100 है, जो इसके सारे जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इसके फैक्टर्स 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25 and 50। ठीक है, अगर मैं 100 को फैक्टर पेयर्स में लिखूं, दैट इज 1 into 100 और 2 into 50 और 4 into 25, 5 into 20, 10 into 10, 20 into 5, 25 into 4, 50 into 2 and 100 into 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा ये नंबर 1 से डिविजिबल है 100, तो 100 से भी है। अगर 100 मेरा 2 से डिविजिबल है तो 50 से भी है। अगर 4 से है तो 25 से भी है। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा 5 से डिविजिबल है तो 20 से भी है। अगर 10 से है तो 10 से। ठीक है, अभी क्योंकि मैं 20 को ऑलरेडी ऊपर चेक कर ही चुका हूं कि 20 से डिविजिबल है, तो मुझे दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है ना, राइट? ठीक है, क्योंकि मैं 20 अगर मैं यहां पे फिर से चेक करने आता हूं, वो तो मैंने ऊपर चेक ही कर लिया कि अगर वो 5 से मेरा डिविजिबल हुआ था तो 20 से भी हो रहा होगा ऑब्वियसली, बिकॉज फैक्टर्स तो हमेशा पेयर्स में होते हैं, राइट? तो सिमिलरली 25 है, जैसे अगर मैं चेक करने की मुझे यहां पे जरूरत है ही नहीं कि वो 25 से डिविजिबल है या नहीं, बिकॉज मेरा वो चीज तो मेरी ऊपर चेक हो ही चुकी है कि अगर मेरा वो 4 से डिविजिबल हो गया होता तो डेफिनेटली वो 25 से भी हो रहा है डिविजिबल। तो इस चीज के लिए हमको हमेशा उसके स्क्वायर रूट तक जाने की जरूरत होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो इस चीज के लिए आई होप तुमको ये वाली चीज समझ में आ गई है, एंड ये चीज मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं कि इस चीज को थोड़ा मॉडिफाई करके खुद से अटेम्प्ट कर लेना। ओके, थैंक यू।